नमस्कार, पलपल भारत में आपका स्वागत है। आज बड़े ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपसे बातचीत कर रहे हैं। हरियाणा की गठबंधन सरकार पिछले 9 सालों से दावा कर रही है कि हरियाणा नंबर 1 है। हम मनोहर लाल जी के इस दावे का समर्थन करते हैं कि उन्होंने प्रदेश को नंबर 1 बनाया है, लेकिन वो नंबर 1 बनाया है बेरोजगारी के अंदर, नंबर 1 बनाया है महंगाई के अंदर। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की CMIE की रिपोर्ट के अनुसार इस समय प्रदेश के अंदर 24,80,000 युवक बेरोजगार हैं और प्रत्येक तीन स्नातक युवकों में से एक बेरोजगार है। और जो प्रदेश सरकार की नीतियां हैं उससे जो हमारी चिकित्सा प्रणाली है स्वास्थ्य को लेकर उसका पूरी तरह भट्ठा बिठाया गया है। आज आंकड़े हम आपसे साझा कर रहे हैं कि जो हमारे प्रदेश के अंदर आबादी के अनुसार जितनी हरियाणा की आबादी है 10,000 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन पिछले 9 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4,000 डॉक्टर की नियुक्ति की है और 6,000 डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। इसी प्रकार प्रदेश के अंदर MDO के 241 पदों में से 191 पद खाली पड़े हैं, महिला रोग विशेषज्ञों के 193 पदों में से 98 पद खाली पड़े हैं और 143 सिविल सर्जन के पद हैं जिसमें से 68 पद अभी खाली हैं। और जो हमारी सरकार की नीतियां हैं, केंद्र सरकार की जो SSC और UPSC की नियमों के अनुसार जितने पद होते हैं उससे 10 गुना अभ्यर्थी परीक्षा में बैठते हैं और परीक्षा क्वालिफाई करते हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार ने मनमाने नियमों से तानाशाही करते हुए यह नियम बदला है और 32,000 पदों के लिए 4 गुना अभ्यर्थियों को बैठने की अनुमति देना चाहती है। यानी कि 10 गुना में से अगर 4 गुना बैठेंगे तो 6 गुना तो उस रेस से ही बाहर हो जाएंगे, रोजगार की रेस से। तो प्रदेश के अंदर हरियाणा की सरकार किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है और दावा कर रही है कि हमारी नीयत सही है, हमारी नीयत खराब नहीं है। हम अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही अभ्यर्थियों को पता लग रहा है, परीक्षार्थियों को पता लग रहा है कि बहुत बड़े युवक इस रेस से बाहर हो रहे हैं, परीक्षा देने से उनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, तो वो हाई कोर्ट की शरण में जा रहे हैं, न्यायालय की शरण में जा रहे हैं, इन नियमों को चुनौती दे रहे हैं। अब आगे होगा क्या है? पीछे जितनी भी सरकार ने परीक्षाएं निकाली हैं वो कोर्ट के केस के कारण रद्द करी गई हैं। तो सरकार का ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि परीक्षा लो, उसको बाद में इस तरीके से लो कि कोर्ट के अंदर चुनौती दी जाए और उसको फिर कैंसिल कर दिया जाए। और पिछले 9 सालों से सरकार बार बार यह ड्रामा कर रही है और बहुत बड़ा युवक वर्ग युवा से प्रौढ़ की अवस्था में पहुंच गया है और वो नौकरियों से बाहर हो गया है। तो खट्टर सरकार इस सारे षड्यंत्र में शामिल नहीं है। तो जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष को, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, 10 गुना से 4 गुना जो इन्होंने नियम बनाया है उसको लेकर। और किस प्रकार से हरियाणा की सरकार बेरोजगारी को बढ़ावा देने के लिए सुनियोजित तरीके से काम कर रही है, आम आदमी पार्टी बेरोजगारों की इस आवाज़ को उठाएगी। पूरे प्रदेश के अंदर आज मीडिया के माध्यम से बातचीत हो रही है, कल जिला उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा और उसके बाद धरना प्रदर्शन किया जाएगा और हम हरियाणा सरकार की इस तानाशाही नियम को लागू नहीं होने देंगे, युवकों को बेरोजगार नहीं होने देंगे और इतने जो पद खाली पड़े हैं हम मांग करते हैं कि ये तुरंत भरे जाएं और युवकों के अंदर बात लेकर जाएंगे कि सरकार सुनियोजित तरीके से बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है और आम आदमी पार्टी सरकार की इस मंशा को कामयाब नहीं होने देगी। जो 4,000 पद खाली पड़े हैं, कुछ दिन पहले
हम सिविल हॉस्पिटल में गए थे तो वहाँ अधिकारियों ने बताया था कि हम सेवा क्यों नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो उन्होंने वो पूरी सूची हमें दी थी, हमने मीडिया में भी दी थी कि कितने पद हैं और कितने खाली पड़े हैं, जब इतने पद खाली होंगे तो किस प्रकार से पूरी ये प्रणाली, चिकित्सा प्रणाली जिस पर गरीब आदमी टिका हुआ है, उसका जीवन टिका है, वो ध्वस्त इन्होंने सरकार ने करी है। सर पहले भी आप प्रदर्शन करते रहे हो विभिन्न मांगों को लेकर, तो उसमें क्या कुछ रहा? उसमें पीछे हमने प्रदर्शन किए थे नशे की मांग को लेकर, तो अमित शाह जी माना कि नशा यहाँ बिक रहा है, सरकार ने माना है कि फलाना बेच रहा है, वो कहते हैं कि वो बेच रहा है, कि पहले जिस पे बात नहीं करते थे वो उन चीज़ों पर बात करने लगे हैं। हमारा बीच में अमित शाह जी आए थे, दूसरा सवाल था परिवार पहचान पत्र को लेकर, उसमें मुख्यमंत्री जी ने पीसी की और कहा कि 2 महीने के अंदर सारी जो गलतियाँ हुई हैं उनको दूर किया जाएगा। उससे पहले हमने एक आंदोलन चलाया था प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, अब मुख्यमंत्री जी ने उस पर भी पीसी करी और माना कि जी 3 साल पहले हमने ये चीज़ें चेंज करी थी, लोगों को समस्याएं ही होंगी, था तो वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, पर मुख्यमंत्री जी ने कहा जी गलती हुई है पर मेरी तो नीयत साफ है, यानी कि पूरे प्रदेश को लूटने के बाद वो कहते हैं कि मेरी नीयत साफ है, आगे हम ठीक कर देंगे। तो हमने जनता के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष किया और प्रदेश की सरकार को, तानाशाही सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर किया। तो मुक्ति केंद्र में सर 10 बेड ऐसे तो वही चीज़ें हमने बताई हैं, कितने बड़े स्तर पर कितनी नौकरियां चाहिए, कितने पद हमारी जो जनसंख्या है हरियाणा की उसके लिए होने चाहिए और कितने पद इन्होंने भरे हुए हैं, बाकी कितने खाली पड़े हैं। जब ये सारे पद भरे जाएंगे तो बेरोजगारी भी दूर होगी, जनता की जो सेवाएं भी होंगी। अब दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार नौकरियां दे रही है और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौकरियां खत्म कर रही है। अब बेरोजगारी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर एक संघर्ष करेगी और सरकार को अपनी जो ये गलत नीतियां हैं इनको वापस लेने के लिए मजबूर करेगी।